Hello students and friends, how are you? I wish for your success and happiness. आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा जितने लोग मुझे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उसके रिटर्न गिफ्ट में आपके लिए क्या लेके आया हूँ। आज ऐसा टॉपिक करेंगे जिसका एप्लीकेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में नहीं होगा, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं होगा, इससे और क्या क्या चीजें कैलकुलेट होगी। आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, फ्लक्स का कैलकुलेशन ईजी बना सकते हो, कुछ ऐसे केसेस सॉल्व कर सकते हो जो कूलॉम्ब्स लॉ से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं, ऐसे कैलकुलेशन। इससे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में भी इसी से रिलेटेड एक लॉ पढ़ोगे, एम्पियर्स लॉ, उसमें भी इसका काफी यूज होगा। इसके कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ सॉल्व करोगे उसका यूज होगा। अगेन, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी पढ़ोगे उसमें भी इसका यूज होगा। आप फ्लूइड का फ्लो पढ़ोगे उसमें भी इसका यूज होगा। आप एक्सेस प्रेशर पढ़ोगे उसमें भी एरिया वेक्टर के कंपोनेंट का यूज होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका हर जगह पे यूज है। तो अगर ये टॉपिक आप मिस करते हो तो बड़ा पछताओगे। ऐसे बात करते हैं स्टूडेंट से, तो मैं समझा रहा हूं ना, तो ये भी बस यही कहना चाह रहा है कि इस टॉपिक को मिस नहीं करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसी से रिलेटेड टॉपिक आगे गॉस लॉ। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ना चाहेंगे गॉस लॉ को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एरिया वेक्टर। तो आज सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे जिसमें कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि एरिया वेक्टर कहां से हो गया। अभी तक तो हम कैलकुलेट कर रहे थे लेंथ इनटू ब्रेड्थ पाई आर स्क्वायर, ये वेक्टर कहां से आ गया। तो बेसिकली एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका अभी तक हम जो पढ़ते थे सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ते थे, तो अभी उसकी डायरेक्शन की क्या जरूरत पड़ गई पढ़ने की, इसको फ्यू सेकेंड्स में ही आप समझ सकते हो। सपोज ये कोई हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल सर्फेस है, हॉलो हेमिस्फीयर है। अंदर मैंने इसको रेड से पेंट कर दिया है और बाहर की तरफ ग्रीन से पेंट कर दिया। अगर यहां से ऐसा वाटर आ रहा है, ठीक है, और आपको अज्यूम ये करना है दैट ये इमेजिनरी ऐसी सरफेस है, ठीक है, एक मोमेंट के लिए आप इमेजिन कर लो कि ये इमेजिनरी ऐसी सरफेस है। यहां से वाटर बाहर की तरफ ऐसा जा रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी रेड सरफेस से वाटर एंटर कर रहा है या एग्जिट हो रहा है, तो आप बोलोगे एंटर कर रहा है, और ग्रीन सरफेस से वाटर एंटर कर रहा है या एग्जिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे एग्जिट कर रहा है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एरिया के डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, दैट वो स्पेसिफाई करने के लिए कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड ले रहे हैं या इनवर्ड ले रहे हैं। आगे जाके ये चीजें और क्लियर होगी, यहां से आपको एक आइडिया जरूर मिलता है दैट कई जगह पे एरिया वेक्टर के डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, जो अभी तक हमने शायद यूज नहीं किया है अभी तक की क्लासेस में। तो बेसिकली इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, डिपेंड करता है कि वो जो एरिया वेक्टर है वो ओपन है या क्लोज है। अगर वो ओपन है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से ओपन सरफेस में पहली बात तो आपको ये समझना है दैट दिस एरिया वेक्टर डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये इसकी डायरेक्शन है। अब आप बोलोगे परपेंडिकुलर, यहां दो डायरेक्शन है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, कौन सी डायरेक्शन प्लस लेंगे। सो फॉर ओपन सर्फेस यू कैन टेक एनी डायरेक्शन एज पॉजिटिव, एस वेक्टर एज पॉजिटिव, एस वेक्टर या ए वेक्टर से आप शो करोगे, तो यू कैन टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव और दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। एक साथ दोनों डायरेक्शन को पॉजिटिव ले नहीं सकते, आप कोई सा भी डायरेक्शन पॉजिटिव इसका ले सकते हो। तो अगर सपोज करो ये ऐसा रेक्टेंगल ऐसा रखा हुआ है, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल को ऐसा रखा हुआ है आपने, तो यहाँ एरिया वेक्टर जो आएगा दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसकी डायरेक्शन ये वाली, अगर ये वाई एक्सिस में आपको दिख रहा है तो आप इसको जे कैप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप और डिटेल में देखोगे बहुत सिंपल है, सपोज ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसका एरिया वेक्टर आपको निकालना है, ये भी एक रेक्टेंगल है लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो आप कोई सी भी दो साइड लिख लो ओ ए बी सी, ठीक है, ये ब्रेड्थ है। तो जब आप इसका एरिया वेक्टर करोगे तो अभी तक आप करते थे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अब आप इसको करोगे लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। सो इस वेक्टर को आप लिखोगे एल आई कैप क्रॉस ब्रेड्थ को आप लिखोगे डी जे कैप, सो दिस विल बी एल इनटू बी के कैप, ठीक है। क्यों आया के कैप, क्योंकि आपने पढ़ा है ऐसा करते हैं हम लोग आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे इज
कि उसको करने के आपने बहुत सारे तरीके देखे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये हो गई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये उसका एक एग्जांपल हो गया। ओपन सरफेस में किधर डायरेक्शन लेनी है आपको पॉजिटिव, कोई सी भी डायरेक्शन ले लो बट दैट विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। नाउ व्हाट अबाउट क्लोज सरफेस, जैसे भी हम लोग देख रहे थे हेमिस्फीयर वाला केस, अगर वो पूरा क्लोज होता तो किधर किधर डायरेक्शन प्लस लेनी है किधर माइनस लेनी है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज फॉर क्लोज सरफेस बाय कन्वेंशन हमने ऐसा कन्वेंशन लिया है कि हर मोमेंट पे जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी उसको आप क्या लोगे पॉजिटिव। तो अगर मैं ये एक छोटा सा एलिमेंट है डीए, तो ये वाला जो डीए वेक्टर है इस डायरेक्शन को आप लोगे पॉजिटिव, डीए वेक्टर की ये डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव। और इनवर्ड है, सपोज यहां डीए डैश लिखता हूं मैं, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इस छोटे से एलिमेंट की, बट इसको मैं क्या लिखूंगा इस डायरेक्शन को नेगेटिव बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और बाय कन्वेंशन। अब इसका लॉजिक क्या है तो वो धीरे धीरे तब समझ में आएगा जब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। वो फ्लूइड का फ्लक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्स हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है, उन सब में ये धीरे धीरे क्लियर होगा। तो आपको अभी बस इतना समझना है कि ओपन सर्फेस के यू कैन टेक एनी डायरेक्शन एज पॉजिटिव परपेंडिकुलर टू सर्फेस, बट फॉर क्लोज सर्फेस यू हैव टू टेक आउटवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड इनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत सिंपल वाले। सपोज पहले ओपन सरफेस की क्वेश्चन करते हैं, एक ही डायग्राम में बहुत सारी सरफेस मैं शो कर रहा हूं। सपोज यहां एक ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां एक स्क्वायर है, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, यहां एक सर्कल है, इस प्लेन में ऐसा इसलिए आपको थोड़ा सा इलिप्स के जैसा दिख रहा होगा। तो इसकी साइड है L, इसकी भी है L, ये स्क्वायर फिलेट करेंगे और इसकी रेडियस है R। आपको सब में एरिया वेक्टर की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल सा क्या होगा, सपोज ये फर्स्ट लूप सेकेंड और ये थर्ड, सो फर्स्ट एरिया वेक्टर जो होगा वो इसका एरिया क्या होता था हाफ बेस, ये हाइट आती है रूट थ्री एल बाय टू, कैलकुलेशन से ये वाला आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, L 960 से भी निकाल सकते हो। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अगर ये ऐसा एरिया वेक्टर इसका सरफेस है तो एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक पेंसिल है, यहां से आप आउटवर्ड डायरेक्शन ये वाली ले सकते हो या अंदर की तरफ ले सकते हो। तो अगर आपने बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया है तो आप इसको लिखोगे के क्या, सो दैट इज रूट थ्री L square by 4 a। Second वाला आप देखो बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर वेरी सिंपल, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये एग्जैक्ट प्लेन में तो इसका परपेंडिकुलर आएगा इधर y और माइनस y, तो आपने लिख दिया j क्या। नेक्स्ट इज a3 वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाले एरिया का वेक्टर, तो ये तो एरिया इसका क्या होता है पाई r स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन ये वाली आप ले सकते हो परपेंडिकुलर i क्या। तो वेरी सिंपल आपने किया है, अभी तक ये सारे एरिया तो हम पहले से जानते थे, यहां पे बस आपने क्या कर दिया उसकी डायरेक्शन लगा दी बस, ठीक है, डायरेक्शन एक आप उसमें ऐड कर दे रहे हो। तो है बहुत सिंपल सा टॉपिक बट इसके यूज एप्लीकेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, जिसके लिए हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ रहे हैं, सो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अगर आप इसका मीनिंग समझ जाते हो, इसकी वर्ड का मीनिंग, तो कई जगह जो आपके कंफ्यूजन क्रिएट होंगे सिर्फ इसकी मीनिंग से ही क्लियर हो जाएगी। इसकी वर्ड की जो मीनिंग है, फ्लक्स का मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ फ्लो, प्रोसेस ऑफ फ्लो और एक्शन ऑफ फ्लो और सिंपली फ्लो, ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हो इट इज सिंपली फ्लो। अब इलेक्ट्रिक फ्लो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक में क्या फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो हो सकती है मतलब चार्ज का फ्लो हो सकता है, या हम लोग बोल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो कैसे होगा, तो याद करो हमने एक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी के शुरू के लेक्चर्स पे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगी या एस्टैब्लिश होगी विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो कहीं ना कहीं वो फ्लो करेगी किसी ना किसी मीडियम में। दूसरी बात आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो उसके साथ साथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट हो रही है तो उसके साथ साथ एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है,
सो फॉर द टाइम बीइंग आपको ये अज्यूम करना है कि इलेक्ट्रिक का फ्लो या इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो कैसा हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक में। अगर आप ये समझ जाओगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान होगा, कई जगह के कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सी चीज है बट एप्लीकेशन इसके ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबसे पहले डिफाइन किया गया कैसा, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया perpendicular to it, और यही पे कंफ्यूजन लोगों का स्टार्ट होता है और यही वर्ड आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। पर यूनिट एरिया perpendicular to it लिखा हुआ है तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि अब perpendicular नहीं होगा तो फ्लक्स जीरो होगा क्या। उसी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने इसके मीनिंग पे जोड़ दिया है। तो ये तो इसकी पहले डेफिनेशन हो गई। कैसे, सपोज करो यहां पे कोई ऐसा सर्कुलर एरिया है, यहां से सपोज फाइव लाइन्स क्रॉस हो गई, फाइव फील्ड लाइन्स, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होगा, फाइव लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, फाइव। ठीक है, इस यूनिट्स पर हम लोग आ रहे हैं। तो पहली बात तो अगर आप, हमने ऐसा फ्लक्स को डिफाइन किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिर्फ एक प्योर नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, ये प्योर नंबर हो जाएगा। बट ये है तो एक इलेक्ट्रिक फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं कि और इसकी डेफिनेशन आगे जाके कैसे चेंज हुई। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो आपने बड़ा ज्ञान दिया था कि कोई पर्सन इसी फील्ड के लिए, यहां पे जो ये फील्ड है किसी भी शीट का हो सकता है, किसी भी चार्ज का हो सकता है, वो चाहे तो फाइव लाइन्स ले सकता है, चाहे तो टेन लाइन्स ले सकता है, चाहे तो ट्वेंटी ले सकता है, उसकी मर्जी। जैसे एक पॉइंट चार्ज है, आपने देखा था कि इसके लिए आप चाहो तो फोर लाइन्स लो, चाहे तो एट लाइन्स लो, कितना भी ले लो, आपकी मर्जी। तो फिर कैसे डिसाइड होगा, फ्लक्स कैसे डिफाइन होगा। इसी को रिमूव करने के लिए, इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए, तो इसको क्वांटिटेटिवली डिफाइन किया गया, मतलब ये होगा कितना, मेजर करके बताया गया। तो मेजर करके बताने में बेसिकली क्या क्या क्वांटिटी आनी चाहिए, कितनी ज्यादा फील्ड फ्लो हो रही है वो डिपेंड करेगा डेफिनेटली फील्ड की वैल्यू कितनी है, और दूसरा एरिया कितना है। सिंपल सी बात है, बड़ा एरिया होगा ज्यादा फ्लो होगा, कम एरिया होगा कम फ्लो होगा। तो किस किस चीजों के डिपेंड करना चाहिए, ये करना चाहिए ई पे, एरिया पे और उसके ओरिएंटेशन पे, मतलब ओरिएंटेशन पे, मतलब ये एरिया रखा कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एरिया को परपेंडिकुलर रखा है तब तो पूरा का पूरा फ्लक्स पास हो रहा है, और मैंने इसको धीरे से ऐसा लिटा दिया, ठीक है, ऐसा इस एरिया को ऐसा फ्लैट कर दिया, तो उसमें से कोई लाइन पास होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। सो सिर्फ फील्ड और एरिया से डिपेंड नहीं होगा, या फील्ड एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, एक और क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, क्या, कि हमने उसको रखा कैसे है, रखा कैसा है मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो फ्लक्स है वो कैसा डिफाइन किया गया है क्वांटिटेटिवली वो देखो आप, और उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो आप लिखोगे इफ देयर इज सम एरिया डेल एस वेक्टर, एनी एरिया डेल एस वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, देन फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज गिवन एज E vector dot del S vector. So E del S cos theta. फिर जिसने कुछ शैतानी किया, नहीं ना, करेगा तो आप मुझे बताना। So this is del phi is E del S cos theta. इससे क्या होगा, आप थोड़ा समझना, and what is the angle theta? ये theta क्या है? E जो है field का magnitude है, del S जो है वो area vector है, उसका magnitude है, theta क्या है? Suppose ये कोई area है, ऐसा या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर डेल एस वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ऑब्वियसली ए डॉट बी करते हो तो थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ए और बी के बीच का होता है, तो यहां किसके किसके बीच का होगा, फील्ड और एरिया के बीच का होगा। बहुत ही सिंपल सा है, आप यहां नोट करके लिख लेना, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डेल एस वेक्टर। डेल एस वेक्टर का मतलब है परपेंडिकुलर टू सरफेस, याद रखना परपेंडिकुलर टू। अब इसके बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पे आते हैं, या हम लोग केसेस पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है। ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस है आर, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, पास हो रहा है इसके अक्रॉस, है ना, इस सर्कल के अक्रॉस ऐसा पास हो रहा है,
और ये एंगल यहां पे गिवन है सपोज 60 डिग्री, आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स फॉर दिस सर्कल, व्हाट इज द फ्लक्स फॉर दिस सर्कल। अब इसमें एक उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि सर ये तो परपेंडिकुलर पास ही नहीं हुआ, आपने तो बोला था परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां से समझ में आ रहा है, वहां बोला था नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये जीरो हो जाएगा, इसीलिए उसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले आप इसको देखो, यहां पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फील्ड डॉट डेल एस, और फील्ड की वैल्यू है ई, यहां गिवन है, डेल एस की वैल्यू क्या है आई आर स्क्वायर कॉस 30 रखना है, आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम लोग यहां 60 करके कैलकुलेट कर देते हैं। सो आपको ये एंगल नहीं देखना है, आपको एंगल देखना है हमेशा एरिया वेक्टर से, रिमेंबर वो लिखा हुआ है, ये कॉमन सी मिस्टेक है, होती है, कोई बात नहीं, जिन लोगों से हुई होगी। सो ये फ्लक्स की वैल्यू होगी कितनी, E into pi r square root 3 by 2, this is your answer. यूनिट क्या लिखेंगे इसकी, दिस इज फील्ड न्यूटन पर कूलम into meter square, that's all, force per unit charge, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। सो यहां पे फिर से आपको ध्यान के रखना है दैट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नाउ अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, व्हाई नॉट द फ्लक्स इज जीरो, जो हमने अभी बोल दिया था दैट इट इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा आराम से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। सपोज एक ऐसी सरफेस है, ठीक है, इंक्लाइंड है, यहां पे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन की एक सरफेस है, ठीक है, तो ये इसका ब्रेथ बी और ये इसकी लेंथ एल, और यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फील्ड ऐसा जा रहा है, ये वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको आप ले लो ऐसा थीटा, यहां से ऐसा फील्ड जा रहा है ऐसा, तो ये क्वेश्चन भी है और उस कंफ्यूजन का आंसर भी है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये क्लियर नहीं होता है दैट यहां कोई फील्ड, अगर यहां से अगर लाइंस परपेंडिकुलर जा नहीं रही है तो फ्लक्स डिफाइन जो करेंगे डायरेक्टली जीरो क्यों नहीं लिख देंगे, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बोला था अगर आप सिर्फ फ्लक्स की वर्ड पे अगर आप जाओगे तो आप सबको समझ जाओगे, फ्लक्स वर्ड का मीनिंग क्या था, फ्लो। तो आप सोच के बताओ क्या इस सरफेस से कोई लाइन फ्लो नहीं कर रही है, या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो नहीं कर रही है, या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है, सिंपल सी बात है, निकल रही है, निकल रही है तो कुछ ना कुछ तो फ्लक्स है, पहली बात तो जीरो नहीं है, ऑल्दो कोई भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं है फिर भी फ्लक्स जीरो नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो निकालेंगे कैसे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। एक तो अगर आप उस फॉर्मूले पे जाओगे, पहले तो मैं फॉर्मूले पे जाता हूं और दूसरा बताता हूं वही फॉर्मूला क्यों होना चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर आप इसका साइड व्यू देखोगे, इधर आएगा एरिया वेक्टर ऐसा, ये एंगल अगर थीटा है तो आपको पता है कि इन दैट केस ये वाला एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी आएगा 90 माइनस थीटा, आप कई तरीके से देख सकते हो, ये एंगल भी थीटा है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, ये एरिया वेक्टर है, इधर की तरफ है फील्ड वेक्टर, आपको चाहिए ये वाला एंगल, सो दैट इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, सो ये वाला एंगल भी होगा थीटा, आराम से आप समझ सकते हो, दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा ऐसा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस विल बी थीटा, उसको निकालने के बहुत सारे तरीके। सो फ्लक्स जो आ रहा है यहां से वो कितना आ रहा है बताओ, फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, इसको आप लेंथ इंटू ब्रेड भी लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है, ई एल बी कॉस थीटा, ये तो हो गया डेफिनेशन से। अब बोलोगे नहीं सर अपने पहले वाले डेफिनेशन से बताओ थोड़ा, है ना, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, देखो ये कई जगह पे लोग इससे बचते हैं, बस परपेंडिकुलर टू इट लिख दिया फिर उसके बाद सीधे इससे आ गए, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्या यहां पे भी उस डेफिनेशन से क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप आराम से थोड़ा देखना, कुछ लोग ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, आराम से सोच सकते हैं दैट अगर इसको मैं ऐसा अज्यूम करूं, इतना तो पक्का है कि फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ फ्लक्स है, जीरो तो नहीं है भाई। अब यहां पे हमने उस वो जो प्रिज्म का शेप था उसको ऐसा अज्यूम किया, ठीक है, जिसको मैं कह रही इसमें हम वेज बोलते आ रहे हैं,
ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल थी तो ये वाली कितनी होगी इधर एल कॉस थीटा, बट अगर ये ब्रेड थी तो ये भी कितनी होगी ब्रेड। अब मैं इस सर्फेस के लिए निकाली हुई हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जितना फील यहां से फ्लो हो रहा है उतना ही फील इस इंक्लाइन वाले से भी फ्लो होगा, तो मैं ये वाला फ्लक्स इधर से निकाल रहा हूं, ठीक है, इधर से जितना एंटर कर रहा है वो कितना होगा। इधर वाले राइट वाले एरिया के लिए अगर आप निकालोगे तो फिर से आप लिखोगे, अब तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि वो परपेंडिकुलर आ चुका है एरिया, तो उसके लिए आप सीधे लिखोगे फील इनटू दिस दिस एरिया, और वो एरिया कितना होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो यू कैन सी यू विल गेट द सेम फ्लक्स। परपेंडिकुलर भी आप लोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मेरे को परपेंडिकुलर से ही निकालना है, और दूसरी बार आएगी वैल्यू सेम। इसका मतलब although it is defined as number of lines of forces crossing per unit area perpendicular to it, but it is also defined if no lines are perpendicular, कोई lines perpendicular नहीं है तो भी। कुछ लोगों का एक और explanation होता है, बहुत ही simple है, वो भी एक दूसरा explanation है, that instead of taking area component of area, if we take component of field, why not take component of field, वो भी हो सकता है, बहुत ही simple calculation हो सकता है। ये अगर theta है सेम वही कैलकुलेशन, सेम वही है तो मैंने रब क्यों किया, ये एरिया वेक्टर है। नाउ रादर देन टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ एरिया फील्ड का कंपोनेंट ले लो, सेकंड एक्सप्लेनेशन। तो फील्ड का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा, सो आप लिखोगे ई कॉस थीटा इनटू एरिया, और वो एंगल बना रहा है जीरो। फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक ई कॉस थीटा है और एक ई साइन थीटा है, तो E sin theta को tangential चला गया, इस surface के tangential चला गया, उसके through कोई flow नहीं है, ऐसे कोई inclined surface यहाँ से पानी आपने गिरा दिया, उस surface के through वो flow नहीं कर रहा है, across flow नहीं कर रहा है, so that is again E cos theta। तो बहुत simple सा है, आप चाहे field का component लेके भी explain कर सकते हो, और area का भी component लेके explain कर सकते हो, that why the flux is defined E dot del S, dot product क्यों लिया गया वहाँ पे, ठीक है। और ये तो हो गया, इसकी थोड़ी डेप्थ में जाके ऐसा डिफाइन ही क्यों किया गया। दूसरी बात, अगर आपने को सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो क्यों इनमें जमेरे में जाएंगे, सीधा E डॉट डेल एस करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना इज डिफरेंट थिंग, उसके कॉन्सेप्ट्स पे जाना इज डिफरेंट थिंग। नाउ ये तो हो गया एक क्वेश्चन भी आपका कि इंक्लाइंड सरफेस से कैसे कैलकुलेट होगा, और बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं कि किस केस में फ्लक्स होगा मैक्सिमम, किस केस में होगा फ्लक्स मिनिमम। तो मेरे पास एक स्क्वायर है, उसको कैसा प्लेस कर रहे हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम हो जाए, तो आप ऐसा करोगे फ्लक्स ऐसा रखोगे इसको ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा। तो इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ थीटा कितना है, हमने एरिया वेक्टर को कैसा रखा है, सॉरी सरफेस को कैसा रखा है, स्क्वायर को कैसा रखा है, परपेंडिकुलर, सो व्हाट इज द थीटा, थीटा इज जीरो नॉट राइट रिमेंबर, बिकॉज ई डॉट डेल एस वाला थीटा की बात कर रहा हूं, ई ए कॉस थीटा, वो थीटा मेजर होता है एरिया वेक्टर के साथ, सो रिमेंबर थीटा इज जीरो, that's why the flux is E del S cos 0। और surface कैसी है, तो आप लिखोगे surface is perpendicular, so interesting ये है, when the surface is perpendicular then area vector is parallel, and second case ये तो क्या maximum flux, if you want minimum flux ये ऐसा होगा, इसका मतलब है ऐसा xy plane parallel ऐसा रखा हुआ है, so in that case surface is parallel, surface is parallel and theta is 90, so ये interesting है क्योंकि अभी तक हमने रटा हुआ होता था, ठीक है, parallel means 0, perpendicular means 90, क्या perpendicular है क्या parallel है बहुत clear होना चाहिए, surface parallel है और theta 90 है, है ना, area vector perpendicular है, so flux की value क्या आ जाएगी, E del S cos 90 which is 0, कोई flux वैसे भी cross नहीं हो रहा है, आप surface कैसा flat रख दोगे, field lines इधर से जा रही है, कोई से भी cross करेगी क्या, नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट, अगर इसके अलावा कोई सा भी एक केस होगा तो उस केस में जो फ्लक्स होगा डेफिनेटली इन दोनों के बीच में होगा, और वो भी हमने अभी अभी निकाल के देखा था, इंक्लाइंड सरफेस ऐसा रखोगे, सो दैट विल बी समवेयर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये तो बहुत सिंपल सा केस हो गया, कई बार स्कूल एग्जाम में ये भी समझाने को बोला जाता है ना, 2-3 मार्क्स क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दो भाई कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, अच्छे से याद रखना क्या परपेंडिकुलर है और क्या पैरेलल है। नाउ ये तो हुई फॉर फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशंस, और उसके मेन क्वेश्चन ओपन सरफेसेस से रिलेटेड। अब हम लोग निकालते हैं क्लोज सरफेस से फ्लक्स, ठीक है, क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल के थोड़ा देखते हैं।
तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट तो यही है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब E डॉट डेल एस से कई तरीके से निकाल सकते हो। पहला बाय ब्रेकिंग इनटू ओपन सरफेसेस। एक कोई क्लोज सरफेस को ओपन सरफेस में ब्रेक करके आप निकाल सकते हो। जैसे एक क्यूब है उसको 6 स्क्वायर्स में ब्रेक करके आप निकाल सकते हो। हम लोग निकालेंगे अभी वाला जो प्रिज्म था उसमें टोटल कितनी फेसेस थी, काउंट करके देखना, 5 फेसेस होंगी। 5 फेसेस में ब्रेक करके वहां निकाल सकते थे हम लोग। बट ये यूज कब करना है, थीटा इज कॉन्स्टेंट, रिमेंबर व्हेन थीटा इज कॉन्स्टेंट, इसको तब प्रेफर करना आप। सेकेंड केस बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, डेल फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। क्या चीज है, अभी मैं आ रहा हूं, ई डॉट डेल एस ये कैसे हो गया, अभी मैं उस पर आ रहा हूं। ठीक है, ऑब्वियसली हर जगह पे अलग अलग एंगल बनेगा, तो आपको पता है कोई भी चीज उसमें वेरिएबल है तो हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इसका जो मेथड है, फर्स्ट सेकेंड एंड नेक्स्ट मेथड इज बाय गॉस लॉ। इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होंगे गॉस लॉ, ठीक है, जिसको कूलॉम्स लॉ से करना, मतलब कूलॉम्स लॉ से जो हम फील्ड निकालते हैं उससे करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, उसको ये बहुत फास्ट कर देता है बाय गॉस लॉ। तो ये तो हम लोग तभी पढ़ेंगे जब गॉस लॉ पढ़ लेंगे, आज तो हम लोग ये वाला केस कर रहे हैं सिर्फ फ्लक्स के डेफिनेशन से। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ये क्वेश्चन कॉमन से ऑलमोस्ट बहुत सारे हर स्कूल एग्जाम में आते हैं, एनसीईआरटी में भी, ऑलमोस्ट हर बोर्ड में भी होता है। तो सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपके, यहां पे ऐसा एक क्यूब है, ऐसा रखा हुआ है। सो देयर इज अ क्यूब हूज साइड्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लेंथ इज स्मॉल एल। ठीक है, परफेक्ट, आप बना सकते हैं ताकि ये लेंथ है लेंस की। यू हैव टू फाइंड फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेस, इसलिए ये फेसेस हैं 6 फेसेस। इफ द फील्ड इन द रीजन इज, फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, ई नॉट आई कैप, तो इतना कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी है, बहुत आसान है। इसमें कितनी फेसेस और कितने एरिया वेक्टर होंगे, इसको समझाने के लिए मेरे पास एक रूबिक्स क्यूब है अभी फिलहाल। इसमें 6 फेसेस है और 6 कलर्स है इसमें। ठीक है, तो फ्रंट फेस है हमारा ब्लू, टॉप इज व्हाइट, मैं इसको ऐसे ज़ूम कर रहा हूं। इस पे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूंगा, सो दिस विल बी द एरिया वेक्टर, ये आपको क्लियरली ऐसा दिख रहा हूं, दिस विल बी द एरिया वेक्टर। यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, दिस विल बी द एरिया वेक्टर। पीछे वाली सरफेस पे ड्रॉ करूंगा, दिस विल बी द एरिया वेक्टर। पीछे ऐसा है, मैं इसको पीछे ले जा रहा हूं, एरिया वेक्टर। दिस विल बी द एरिया वेक्टर फॉर लेफ्ट सरफेस, दिस विल बी द एरिया वेक्टर फॉर राइट सरफेस, दिस विल बी द एरिया वेक्टर फॉर डाउन सरफेस। तो वो क्लियरली आपको इमेजिन हो रहा होगा, विजुलाइज हो रहा होगा, ताकि मैं यहां ड्रॉ करूं आपको क्लियरली दिखे, वो बहुत आसान सी चीज है। तो बेसिकली कितनी सर्फेसेस हो गई, उसके लिए मैं यहां बिल्कुल अलग डायग्राम बना रहा हूं ऐसा, और उतने सारे कलर्स यूज करने की जगह मैं कुछ अलग अलग यहां पे इसका टेक्सचर कुछ अलग अलग कर दे रहा हूं। यहां जैसे हम लोगों ने ले लिया डॉट, ये है एरिया वेक्टर फॉर टॉप सर्फेस, ठीक है, ये एरिया वेक्टर फॉर राइट सर्फेस है फर्स्ट सर्फेस, ये लेफ्ट वाला है सेकेंड सर्फेस, ये डॉट वाला है थर्ड अपवर्ड एंड फोर्थ डाउनवर्ड। इसको थोड़ा इमेजिन करना, दिस इज एरिया वेक्टर फॉर आउटवर्ड सर्फेस, बाहर की तरफ ऐसा, ठीक है, बाहर की तरफ, मतलब हमने ये वाला जो लिया था एरिया वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ। इसको हम लोग ऐसा बोर्ड में शो तो कर नहीं सकते कि एक पेंसिल को चिपका दिया तो उसको हम लोग ऐसा शो करके रखा हुआ है, इसका मतलब ही होता है आउटवर्ड। ये जो एक्सिस ड्रॉ की हुई है उसका मतलब ही आउटवर्ड, तो ये एरिया वेक्टर भी कैसा है, आउटवर्ड है, ठीक है, और एक होगा इनवर्ड, तो उसको एरिया और इनवर्ड को भी शो नहीं कर पाओगे। ठीक है, सपोज दिस इज इनवर्ड, इसको ऐसा लगे ये अंदर की तरफ है इसका एरिया वेक्टर, उसी को हम लोग कई बार ऐसा शो कर लेंगे ऐसा। सो दिस इज आउटवर्ड एंड दैट इज इनवर्ड, S4, S5 and S6, very simple. Although calculation of flux is very much easy. अगर आप flux through first surface निकालोगे, वो होगा E dot ls by. So field is E naught I cap dot product with this area is L square I cap
So I dot I is 1, so this is E naught L square. So इसका मतलब ये है that area vector जो यहां से आ रहा है वो इस direction में. अब इसमें important चीज क्या है कि हमने closed surface के लिए अभी लिया था, ये ऐसा ऐसा क्यों लिया है, हमने थोड़ी देर पहले discuss किया था by convention कैसा भी closed surface है outward area हम लोग लेंगे हमेशा positive, तो सब के सब हमने outward लिए हुए हैं. यहां पे आ गया E naught L square. E del S cos 0 भी आप लिख सकते हैं, एक ही चीज है E naught L square से लिखो या उससे लिखो. This is first. Second आप निकालोगे तो बहुत क्लियर है आपको, ठीक है. सेकेंड की केस में क्या आ जाएगा बताओ, दिस इज फर्स्ट आंसर E naught I cap और ये वाला एरिया वेक्टर आएगा माइनस I cap, सो दैट विल बी E naught I cap डॉट L square माइनस I cap, सो विच इज माइनस ऑफ E naught L square. माइनस ऑफ E naught L square, ठीक है. तो अब मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, सेम डायग्राम आपके पास अवेलेबल है. So this is E1 and E2. What about rest of the surfaces? बाकी सारी surfaces में area perpendicular बनने वाला है. So area perpendicular बनेगा 4, 5, 6, 3rd सब का flux हो जाएगा 0. क्यों होगा? बहुत आराम से आप देखो. Field जा रही है इधर. Front वाले का area vector इधर. So these two are perpendicular. This and this are perpendicular. Top वाले का ऊपर. Field इधर, again this, these two vectors are perpendicular. बहुत feel कर पा रहे हो आप? यहाँ तो 180 था, इधर वाले का angle इधर से 180 था, ऐसा, ऐसा, ठीक है? This and this perpendicular area vector, so इसका भी flux क्या हो गया? Zero. ये तो हो गया calculation, mathematically. दूसरा एक feel करने वाली जो बात होती है, अब सोच के बताओ, ऐसा इधर की तरफ electric field है, पूरा इधर की तरफ ऐसा electric field जा रही है, ऐसा क्यों रखा हुआ है? ये फील है किसके अक्रॉस फ्लो हो रही है, सिर्फ दो सरफेस के. आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, सिर्फ इधर वाली सरफेस और इधर वाली, बाकी किसी भी सरफेस को इसको ये फील जो है यहां से बहुत सारी फील लाइंस ऐसे जा रही है, ये सारी फील लाइंस इसको क्रॉस करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी. इसको करेगी? नहीं करेगी. फ्रंट वाले को करेगी? नहीं करेगी. बैक वाले को भी नहीं करेगी. तो ऑब्वियसली फ्लक्स क्या आना चाहिए था? जीरो. एक होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक होता है उसका विजुअलाइजेशन, क्योंकि विजुअलाइज हो रहा है कि कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तो उसका फ्लक्स बाकी सबका क्या है? जीरो है. नेक्स्ट, ये तो था यूनिफॉर्म फील्ड का केस, ठीक है, कि अल्टीमेटली अगर आपने नेट फ्लक्स निकाला, इसमें ये भी पूछा जाता है व्हाट इज नेट फ्लक्स, सो नेट फ्लक्स इज जीरो. E naught L square माइनस में आया था यहां और यहां आया था E naught L square, बाकी सब जीरो था, इसलिए नेट फ्लक्स क्या था? जीरो था. अब हम लोग आते हैं इस केस को दिमाग में आपको रखना, दैट नेट फ्लक्स यहां जीरो आया था. अब इसी केस में अगर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, और क्यूब को मैं थोड़ा शिफ्ट भी कर रहा हूं, तो फील्ड की जो वैल्यू है, नाउ द फील्ड गिवन इज E naught x स्क्वायर i कैप, सो x जो है दैट इज x कोऑर्डिनेट, एंड जो क्यूब है उसकी फेसेस लिखी हुई है ऐसे, फ्रॉम x इक्वल टू l, x इक्वल टू 2l, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू l, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू l. तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो कि बेसिकली वो क्यूब प्लेस्ड कैसा है, तो x इक्वल टू l से लेके 2l तक अब प्लेस्ड है, अब वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना? This is L and this is 2L. Now उधर भी आप 0 to L लेना है, उधर तो आपने 0 to L ले लिया, Z में भी 0 to L लेना है, तो आप सामने की तरफ ऐसा ले लो 0 to L. इसका मतलब आपको दिख रहा है वो क्यूब थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, from L to 2L, ठीक है, सिर्फ X एक्सिस में, Y में नहीं, Z में नहीं. अब अलग अलग केसेस लेते हैं वेक्टर सरफेस एरिया के, दिस इज एस वन वेक्टर, एस टू वेक्टर, थर्ड कौन सा था आपका? टॉप. फोर्थ था बॉटम. तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट जब आप लिखते हो, सो आप लिखोगे यहां पे ई डॉट डेल एस वन, इस मोमेंट पे यहां पे इस वाली फेस के लिए एक्स कितना है? 2l है, तो आप यहां लिखोगे ई नॉट इंटू 2l का होल स्क्वायर, ये आई कैप. एरिया वेक्टर जो है वो कितना है?
अभी भी देखो लेंथ सबकी एल ही है, एल टू टू एल भी एल है, जीरो टू एल सबकी सब लेंथ क्या है, एल है, तो आप लिखोगे एल स्क्वायर आई क्या है, तो आया कितना 4 ई नॉट एल रेस टू पावर 4। कुछ लोग ये मत सोचना कि डायमेंशनली रॉन्ग है, बिकॉज ई नॉट यहाँ फील्ड नहीं है ना, दैट इज फील्ड पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया, सो डायमेंशनली करेक्ट है। सेकेंड का देखते हैं, सेकेंड का मतलब दिस वॉज फ्लक्स थ्रू राइट फेस, सेकेंड इज फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, सो ई डॉट डेल एस टू फील्ड की वैल्यू यहां से इस डायरेक्शन में देखो इधर जा रही है, एंटर कर रही है, ये बाहर आ रही है, तो आपको वैसे भी पता है कि आउटवर्ड फ्लक्स आ जाता है पॉजिटिव, इनवर्ड वाला क्या आ जाता है नेगेटिव, वो दिख रहा होगा आपको हर जगह पे दिख रहा होगा, और एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो फील्ड की जो वैल्यू है इस मोमेंट पे क्या है, ई नॉट एल स्क्वायर आई कैप डॉट इसका एरिया वेक्टर है ना, इसका एरिया वेक्टर कितना है एल स्क्वायर बट माइनस आई कैप है, ठीक है, तो पिछले बार भी ऐसे था बट फील्ड यूनिफॉर्म था, यहां नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहां जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई डेल फाइ टू दैट इज माइनस ई नॉट एल रेस्ट पावर 4। सो ये हो गया फर्स्ट के थ्रू फ्लक्स, सेकेंड के थ्रू फ्लक्स, बाकी सब के थ्रू फ्लक्स जीरो है आपको पता है, क्योंकि हर सबके लिए एंगल जो है वो क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ई डॉट डेल जब लिखेंगे तो कोई फ्लक्स अभी भी इसको कोई फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है, इसको क्रॉस नहीं कर रही है, फ्रंट को क्रॉस नहीं कर रही है, बैक को भी नहीं क्रॉस कर रही है, सो अगेन नेट फ्लक्स इज हाउ मच ओनली दिस एंड दिस इन दोनों का सम 4 माइनस 1 सो दैट इज 3 E0 एल रेस्ट पावर 4 दैट इज योर आंसर। सो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने को क्या पता चलता है कि पिछले वाले केस में नेट फ्लक्स आता था जीरो और यहां नेट फ्लक्स क्या आ रहा है नॉन जीरो, तो इसका मतलब नेट फ्लक्स एक क्लोज सरफेस से जीरो होता है अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो, अगर फील्ड कैसी है यूनिफॉर्म है तो, इसका मतलब जितना एंटर होता है उतना ही एग्जिट होता है, तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बिना गॉस लॉ के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं थोड़ा आराम से देखो। सो अपने को ये प्रूव करना है या बेसिकली विजुअलाइज करना है दैट ऐसी भी सर्फेस है, कोई भी रैंडम सर्फेस आप ले लो, कहीं पे भी एक चार्ज को रख दो, अगर ये चार्ज ऐसा है, ठीक है, और ये मैं जनरलाइज प्रूफ की बात कर रहा हूं या जनरलाइज विजुअलाइज करने की बात कर रहा हूं, अभी हमने सिर्फ किसके लिए लिखा था यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना एग्जिट कर रहा है, क्यों, कि केस में तो अपने को दिख रहा था एरिया भी उतना ही है फील्ड भी उतना ही है, तो इसका मतलब नेट फ्लक्स जीरो है। यहां कैसे करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखना, सपोज करो कोई सा भी कोई पॉइंट ले लो आप, ये और ये एक दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे एरिया वेक्टर आएगा ऐसा dA1, यहां फील्ड की वैल्यू भी है E1, इधर की तरफ E1, यहां जाके फील्ड हो गया E2 और यहां एरिया वेक्टर आया ऐसा dA2। सो इस पॉइंट में अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो वो होगा नेगेटिव, dΦ1 जिसको आप बोल रहे हो वो होगा नेगेटिव, और इस पॉइंट पे जो dΦ2 होगा उसको बोलोगे पॉजिटिव। तो सिंपल सा मतलब ये है दैट जहां पे भी जिस भी सरफेस से फ्लक्स एंटर करता है वो आता है नेगेटिव और जब वो एग्जिट होता है वो आता है पॉजिटिव, और ये कोई कन्वेंशन नहीं है, कन्वेंशन बस एरिया वेक्टर का था, अगर एरिया वेक्टर हमने आउटवर्ड लिया है तो डेफिनेटली जहां एंटर हो रहा है वहां ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा और फ्लक्स आएगा नेगेटिव, वहां आएगा एक्यूट एंगल और फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव। सो व्हेनेवर फ्लक्स इज exit it is taken as positive and whenever it is entering it is taken as negative, ठीक है, ये बहुत important चीज है, ये आगे भी हम लोग use करेंगे। Now see, कुछ लोगों के दिमाग में आता है ठीक है बहुत अच्छी बात है यहाँ negative वहां positive net zero क्यों हुआ, ठीक है, कैसे पता चला कि इधर वाला पूरा calculation उधर वाला पूरा calculation net होके zero ही आ जाएगा, तो इसका जो proof है ठीक है उसके लिए आपको गॉस लॉ के जनरल प्रूफ पे जाना पड़ेगा जो कि आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, बट मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं और आपको ध्यान ये रखना है कि उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा सॉलिड एंगल क्या होता है, देन उसका जनरल प्रूफ, उसके टाइटल पे भी मैंने लिख दिया है दैट इट इज आउट ऑफ सिलेबस, सिर्फ जिनको इंटरेस्ट है उन्हीं को देखना है, उसमें से आपके स्कूल एग्जाम में भी आया, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये नेगेटिव वाली क्वांटिटी इधर टोटल पॉजिटिव के इक्वल कैसे आती है, हर जगह पे तो एंगल अलग अलग बन रहा है, हर जगह फ्लक्स अलग अलग आ रहा है, एग्जैक्टली इक्वल क्यों आता है,
तो फिलहाल आप इतना फील कर सकते हो इधर एंटर वाला नेगेटिव है, एग्जिट वाला पॉजिटिव है, नेट प्लस क्या है जीरो है, और वो चीज जो उस वीडियो में एक्सप्लेन है वो बहुत कम जगह पे एक्सप्लेन होती है 11 12th की बुक्स में भी खासकर। तो आप जिनका इंटरेस्ट है वो वीडियो जरूर देखना। हाउएवर जिनको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाना है, वीडियो को बिल्कुल मत देखना। नाउ अब यहां हमने कॉन्सेप्ट नोट किया दैट अगर चार्ज अंदर नहीं है बाहर है तो नेट फ्लक्स क्या होगा जीरो, ठीक है। सो इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस द नेट फ्लक्स इज जीरो। ऑब्वियसली इसका प्रूफ यहां नहीं दिया है, वो उस वीडियो में। दूसरा इफ सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, इफ अ क्लोज सरफेस इज केप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड, इफ अ क्लोज सरफेस इज केप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड द नेट फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, नेट फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। तो पहले और कुछ केसेस करके इसको वेरीफाई करते हैं, फिर इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहले बिल्कुल इजी वाला सड़ा वाला क्वेश्चन, ये सिलेंडर है, इधर से फील्ड ऐसा है, ई वेक्टर, रेडियस आर है, लेंथ एल है, फाइंड नेट फ्लक्स। बहुत सिंपल सा है, इसमें कितनी सरफेस दिख रही है, दो दिख रही है फ्लैट, एक दिख रही है कर्व्ड। सो जो फ्लैट है इसका एरिया वेक्टर इधर है E2 वेक्टर, सॉरी डेल एस टू वेक्टर, फील्ड तो यहां E है हर जगह पे, डेल एस वन वेक्टर, डेल एस थ्री वेक्टर, ये परपेंडिकुलर। नाउ अगर आप फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस निकालोगे E डॉट डेल एस वन, सो फील्ड इज E, डेल एस वन एरिया वेक्टर है पाई आर स्क्वायर कॉस 180, सो माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर। डेल फाई टू की बात आप करोगे तो डेल एस टू इधर आएगा, उधर एंगल कितना है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, फील्ड भी उधर ही है, जीरो डिग्री, ई इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस जीरो, सो दैट इज ई इंटू पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस इज एवरीवेयर परपेंडिकुलर, हर जगह परपेंडिकुलर है, सो ई डेल एस थ्री कॉस 90 आप लिखोगे जीरो, नेट फ्लक्स इज जीरो, आप देख सकते हो नेट फ्लक्स इज जीरो, और वो आना ही था क्योंकि आपने लिखा है व्हेनेवर अ क्लोज सरफेस इज केप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड द नेट फ्लक्स इज जीरो। सेकंड थिंग, आपने यहां कौन सा मेथड लगाया, अभी तक जो हम कर रहे हैं कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं किया है, क्लोज सरफेस को हम हमेशा ओपन में ब्रेक करके निकाल रहे हैं, तो आप ये भी याद रखना कि क्लोज से कैलकुलेशन कैसे कैसे हो रहा है, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि कैलकुलेशन में प्रोसीड कैसे करना है। नेक्स्ट टर्म्स, इसी सिलेंडर को अगर हमने ऐसा रख दिया, सपोज ये सेम सिलेंडर को आपने ऐसा रख दिया वर्टिकल के जैसा, ऐसा, अरे सीधा हो जाए, ठीक है। सो ये ई वेक्टर, रेडियस इज आर, लेंथ इज एल, इसमें आपको बताना नेट फ्लक्स, ये हो गई फर्स्ट सरफेस, ये हो गई सेकंड सरफेस, कर्व वाली हो गई, अब थर्ड ले रहे, इस बार किससे फ्लक्स जीरो होगा, फर्स्ट से और सेकंड से जीरो होगा, बिकॉज एंगल इज 90, तो आप देखोगे E डेल एस कॉस 90 दोनों के लिए होगा जीरो। कर्व के लिए कितना होगा, कितना होगा एंटर करने वाला और एग्जिट करने वाला, वो अलग अलग तो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, बट इतना तो पक्का पता है कि जितना एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट भी हो रहा है, इसके लेफ्ट से जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी ही पक्का एग्जिट हो रही है, इतना तो पक्का है। तो इसका मतलब फ्लक्स टू थर्ड सरफेस इज जीरो, आप चाहो तो उसको इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हो, बट एरिया वेक्टर एक लेना पड़ेगा, एलिमेंटल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, झमेला करना पड़ेगा, बट इतना तो पक्का है द फ्लक्स एंटर इज इक्वल टू फ्लक्स एग्जिट, नेट फ्लक्स आया जीरो। अगेन इस क्वेश्चन में तो सारी सर्फेस फ्लक्स जीरो था, ठीक है, कर्व सर्फेस से नेट फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, एंटरिंग प्लस एग्जिट बोथ इज जीरो। तो आप देख रहे हो कहीं पे भी जब आप कैसा सरफेस ले रहे हो, क्लोज सरफेस ले रहे हो यूनिफॉर्म फील्ड में, तो फ्लक्स जीरो का जीरो ही आ रहा है। नेक्स्ट एक केस लेते हैं जो अभी आपने थोड़ा किया भी था और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। तो हमने क्या रखा था, एक ऐसा वेज का शेप बोल सकते हो आप, प्रिज्म का शेप बोल सकते हो, ऐसा, ठीक है, ऐसा आपने सर्फेस लिया था अभी और इससे फ्लक्स निकाला था, ठीक है, हाँ याद है बच्चों को,
ये लेंथ है L और ये है B, ये एंगल आपने लिया था थीटा। सो ये वाली सरफेस का अभी मैं फ्लक्स अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था, उसी चीज को मैं थोड़ा फास्ट बता दे रहा हूं ताकि वो चीज फिर से आपको रिवाइज भी हो जाए। दिस वॉज फर्स्ट, दिस वॉज सेकेंड, दिस वॉज थर्ड। ये अगर फील्ड है E वेक्टर और E नॉट वेक्टर। सो फॉर फर्स्ट सरफेस हमने फ्लक्स कैसे निकाला था, थर्ड का तो जीरो है, देख ही रहे आपको एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, सो फ्लक्स थ्रू थर्ड इज जीरो बिकॉज थीटा इज 90। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट, ठीक है। अभी हम भी हमने इस वीडियो के शुरू में ही इसको देखा है, E डॉट डेल एस करोगे, E डॉट डेल एस वन। सो दिस इज E, डेल एस वन का मतलब क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस वाज ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है। सो L इनटू B, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो फिर से वही देख लो आप, ये थीटा, एरिया वेक्टर है इधर, ये है फील्ड, तो ये थीटा था, दिस वाज आल्सो थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस वाज थीटा, सो दिस वाज ELB cos थीटा। सेकेंड वाले से निकालोगे, ये लेंथ अगर L है, हमने ऐसा देखा था, अगर ये L है तो ये होगा L cos थीटा। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाला है, इसका एरिया निकाला है सेकेंड सरफेस का, यहां से बस लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप लिखोगे क्या, फील्ड डॉट एरिया वेक्टर 2 व्हिच इज E, लेंथ की जगह इस बार आप लिखोगे L cos थीटा, ब्रेड्थ इज B, यही वाली ब्रेड्थ यहां भी है, बट एंगल यहां पे आप लिखोगे cos 180 डिग्री। क्यों लिखोगे, बिकॉज फील्ड है इधर, इसका एरिया वेक्टर है आउटवर्ड, हियर आउटवर्ड, हियर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हर जगह पे, तो ये आ गया माइनस ऑफ ELB cos थीटा। सो नेट फ्लक्स इज हाउ मच, थर्ड पहले से जीरो है, फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया माइनस ELB cos थीटा, तो नेट फ्लक्स अभी भी आपको क्या दिख रहा है, जीरो। तो चाहे आप कितने भी केसेस देखिए, किसी भी शेप को लेके, सिलेंडर को ऐसा रख दो, हॉरिजॉन्टल रख दो, वर्टिकल रख दो, क्यूब को रख दो, बट रिमेंबर वो होना चाहिए क्लोज सरफेस और फील्ड होनी चाहिए यूनिफॉर्म, नेट फ्लक्स विल ऑलवेज बी जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखना। इस पे एक शॉर्ट वीडियो और मैं दूंगा बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करने से, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।